हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ज्यूडिशियल मीन्स और ये सब्जेक्ट एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स हैं उनमें जो इंग्लिश है एंड द सेकंड कुड बी फॉर एग्जामिनेशन इट कुड बी हिंदी और एनी लोकल लैंग्वेज इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने जुडिशल एग्ज़ामिनेशन क्रैक किया मैं मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ उनका इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर था जिसकी वजह से जो टोटल स्कोर है उसमें काफ़ी डिफरेंस था बाकी स्टूडेंट्स से और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कोई सिलेबस कवर नहीं करना है इसमें रादर एक ओवरव्यू चाहिए कि इंग्लिश की तैयारी किस हिसाब से की जाए आप मेन्स इजीली क्रैक कर पाए इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन या चार टिप्स शेयर करूंगा अगर आप उन चीजों को अडॉप्ट करते हैं ऑटोमेटिकली आपका ये सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा लॉन्ग टर्म में और अगर आप इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका जो टोटल स्कोर है काफी अच्छा होगा आप इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर पाएंगे सबसे पहला जो टिप है दैट इज आपकी जीके दैट इज जनरल नॉलेज प्लस इंग्लिश वोकेबुलरी इम्प्रूव होगी अगर आप रोज़ कम से कम तीस पैंतीस मिनट ज़्यादा टाइम नहीं है रोज़ के लिए आप इंग्लिश में न्यूज़ चाहे वो बीबीसी है या कोई अच्छा आपका जो कोई भी फेवरेट इंग्लिश चैनल है आप न्यूज़ सुनिए उससे आपको ओवरऑल जीके का भी पता चलेगा जो करंट जीके है प्लस कुछ ऐसे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते तो आप उनका जो पर्टिकुलर वर्ड्स हैं उनको नोट करो और उसका मीनिंग एक सेपरेट नोटबुक में आप ये सब नोट करो ताकि एटलीस्ट रोज के आप पाँच छः वर्ड्स ऐसे ऐड करो अपनी वो कैब में जो कि आप रिलेट कर पाएं कि किस सिचुएशन में उन्होंने यूज़ किए जो मीडिया ने ये सबसे बेस्ट तरीका है इंग्लिश इंप्रूव करने का जो सेकंड तरीका है ये फिर से आपके दो जो चीजों को इम्प्रूव करेगा पहला जनरल नॉलेज दूसरा इंग्लिश की वोकेबलरी दैट इज एडिटोरियल ऑफ एनी न्यूज तो उस केस में आप एडिटोरियल में से जब आप एक बार गो थ्रू करते हैं तीन या चार आर्टिकल्स एक आर्टिकल आप कम से कम एक आर्टिकल पे फोकस करें उसमें जो भी आपको पांच छह नए वर्ड्स मिलते हैं उनको आप नोट करके यू कैन ऐड दैट टू योर वोकेबलरी और उसमें आप नोट करें कि उन वर्ड्स को किस सेंस में यूज किया गया फॉर द पैसेज तो आप इन वर्ड से क्या होगा रोज के आपको आठ दस नए वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि आप नॉर्मल सिचुएशन में किस हिसाब से यूज करना है उसका मीनिंग क्या है आप उसको नोट करेंगे और रोज जब भी आप नेक्स्ट सेशन कोई देखते हैं उसको एक बार रिवाइज करो तो ऑटोमेटिकली पंद्रह बीस दिन में आपके पास कम से कम वन फिफ्टी से वन एटी वर्ड्स होंगे जो आप रेगुलर ऐसे लिखने में यूज कर सकते हैं थर्ड इसमें दोस्तों एक मिथ है कि जब प्रीलिम्स क्रैक होगा हम इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश लर्न करना इज नॉट कि आप किसी चीज को रट्टाफाई कर रहे हैं इट इज कि आप इंग्लिश के लॉजिक्स को समझ रहे हैं दैट मीन्स कि यहां पे ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन ऑर्डर टू मास्टर द सब्जेक्ट इस केस में आपको अच्छे से एक बार गोथ्रू करना है कि इंग्लिश के लॉजिक्स क्या है मतलब ये तो हो गया कि दिस इज एडिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द एग्जामिनेशन क्योंकि ऐसे का कम से कम हंड्रेड मार्क्स का स्कोर है ज़्यादातर स्टेट्स में और कई में इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो आपको इस चीज़ पे बहुत अच्छे से वर्क करना है ताकि आप जितना भी मैक्सिमम स्कोर होगा आप ऐसे में स्कोर कर पाए और साथ ही साथ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट अब किसी भी चीज की सेंटेंस फ्रेमिंग है आपको पता होना चाहिए कि आप ये ऐसे पास्ट में आप बताना चाहते हैं कोई फैक्ट या प्रेजेंट में या आप कोई फ्यूचर प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द गिवन सर्कमस्टांसेज फ्यूचर में ऐसा हो सकता है तो उसके लिए टेंसेज और बेसिक ग्रामर कि आप आर्टिकल्स कहाँ कैसे किस वे से यूज करते हैं कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज होगा देन द बेसिक टेंसेज देन आप इवन जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्शनरीज हैं उनको रेफर करके यू कैन नोट डाउट सम इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स जो कि आप ऐसे में यूज कर पाएं फोर्थ जो टास्क है आपके लिए इंप्रूव करने का दैट इज कि आप किसी भी तरह की कोई भी जर्नल बुक आप उसको फॉलो करें दैट मीन्स आप कम से कम एक बुक दैट कुड बी एनी गुड बुक आप उसको फॉलो करें आई विल ट्राई कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किसी बुक का लिंक प्रोवाइड कर देता हूं यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपको एक बुक फोकस करनी है उसमें ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से गो थ्रू करना है दैट कुड बी एनी बुक चाहे वो आप नाइन्थ स्टैंडर्ड की चाहे टेंथ स्टैंडर्ड जो कंसर्न बोर्ड है सी बी एस ई इज अ बेटर ऑप्शन तो उस केस में आप इनके जो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है एक बार अच्छे से क्लैरिफाई करके देन यू ट्राई टू राइट अ सैंपल एसे और सैम्पल एसेज किस वे से लिखना है उसमें क्या क्या चीजें कवर होनी चाहिए दैट वीडियो विल ऑल्सो भी पोस्टेड फॉर यू ताकि आप मेन्स में इंग्लिश का जो पार्ट है अच्छे से इसको प्रिपेयर कर पाएँ फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप अपनी फ्रेंड्स की भी हेल्प कीजिए उनके साथ ही वीडियो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन क्लिक करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट होता है जैसे कि मैंने सैम्पल वीडियोज़ की बात की उसमें आपको साथ के साथ अपडेट मिल पाएगा जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाएगा थैंक सो लॉट